नमस्कार यहाँ से डॉट कॉम राशि का स्वागत है साक्षात कासिंग के 570। आज हमारे साथ हैं महावीर जी रणवा गांव जाजोद। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं। थैंक यू। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बता दूँ, ये तो वीडियो यार से डॉट कॉम संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ है उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इस अगर व्यवसाय के पेमा लिखित नहीं होगा, एक बार हम इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड कर देंगे, हटाएंगे नहीं। तो शुरुआत में पारिवारिक परिचय से बताएँ, परिवार में माता पिता का नाम? मेरी माता का नाम श्रीमती शांति देवी, पिताजी का नाम श्री सुल्तान सिंह जी। सुल्तान सिंह जी। बहन भाई कितने हैं? हम 5 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं, 1 बहन है। नाम क्रम से जोगेंद्र सिंह, धर्मपाल, राजपाल, इंदिरा, महावीर। धर्मपत्नी नाम? कमला, भमरी, संजू, सुमन। आपके धर्मपत्नी नाम? सुमन देव। सुमन। संतान? 2। 2। नाम? ऋषभ मोंटी। मोंटी। ससुराल कौन सी जगह? बठोट। सास ससुर का नाम? हरलाल सिंह। रोटियां भूल गए सास होगी मेरे बाद में याद आया तो बता देना। अच्छा, ननिहाल कौन सी जगह? गोटड़ा बोकरा। अच्छा, गोटड़ा बोकरा। नाना नानी जी का नाम? हरी राम जी। नानी जी का? किस्तूरी देवी। किस्तूरी देवी। अच्छा, दादाजी का नाम याद है? चौधरी गुलाराम। गुलाराम जी। दादी जी का? दाफी देवी। ठीक। और पीछे याद है? श्यामला राम। दादाजी 3 भाई थे हमारे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितनी है? बी ए। यहीं से की? लक्ष्मण से। लक्ष्मणगढ़ से। हाँ, तो कहाँ से की? तोदी कॉलेज से। तोदी कॉलेज से। अच्छा, ठीक। ये बताएं कि कोई प्रिय दोस्त था आपका? प्रिय दोस्त सभी दोस्त हैं, मैंने तो सारे दोस्त हैं। कोई वैसे आपको पसंद हो, खान पान में कोई ज़्यादा विशेष रुचि हो? खान पान में अपने तो राजस्थानी खाना खाते हैं। और क्या? तो खेल प्रिय हैं आपको? जी। वैसे कौन सा खेल ज़्यादा प्रिय है? हमारे यहाँ ज़्यादा क्रिकेट, वॉलीबॉल यही चलता है गांव में। कोई महापुरुष? विवेकानंद। राजनीति में? राजनीति में मेरे दादाजी। दादाजी। और वैसे कोई सा दल पसंद है आपको, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, ऐसे कोई पसंद है? दल कॉलेज में तो हम कॉमरेड थे, अभी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो कांग्रेस से क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? कांग्रेस से हमारे जो अपने क्षेत्रीय विधायक हैं गोविंद सिंह जी, इनकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी है। ये जो खेल का मैदान है जी, ये कब बनाया है? कब बना? ये लॉकडाउन के अंदर बनाया हमने। तो ये आपके कार्यकाल में बना? जी। ये जमीन पहले कटी हुई थी कि नहीं? जमीन पहले हमारी कटाई हुई है। जमीन भी आपकी कटाई हुई है? उस टाइम मैं सरपंच नहीं था, मैंने पूर्व सरपंच लियाकत खान, मुद्रब खान थे, उनके टाइम में कटाई है। कितने बीघा जमीन है ये? 22 बीघा जमीन कटाई हुई है। अच्छा, खेल कौन कौन से होते हैं यहाँ? यहाँ क्रिकेट, क्रिकेट के जो पिच बनी है। हाँ, अभी हाँ। अभी 15 दिन पहले यहाँ बड़ा टूर्नामेंट करवाया हमने, आयोजन करवाया था। और 32 फुटबॉल के है? फुटबॉल का है? फुटबॉल का है, लेकिन फुटबॉल के हमारे यहाँ कम होते हैं। बास्केटबॉल है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, और ज़्यादा आपको आप देख रहे हो जो दौड़ने वाला का, ये सबसे ज़्यादा है। ये अभी इसी सत्र पे चालू गया? पहले से था? पहले से है, लेकिन पहले ग्राउंड नहीं था। अभी ये कितने लोग हैं आपके हिसाब से? अभी 225। 225। और ये इनको दौड़ाने वाले कौन है? अजीज भाई। अजीज, ये कैसे? ये पूर्व सैनिक हैं और मेरे साथ ये अजीज मित्र हैं मेरे। और निःशुल्क ये दौड़ करवाते हैं। पहले तोदी कॉलेज में जाते थे, वो वहाँ से अपने छोड़ के और यहाँ निःशुल्क गाँव के लिए ये कर। आप ये बताएं कि आपके गाँव से सेना में कितने आदमी हैं अंदाजन से पता हो तो? काफ़ी होंगे? काफ़ी सेमाने काफ़ी हैं। और पिछली भर्ती में अजीज की सफलता से 20 बच्चे पिछली भर्ती में 20 एक साथ यहाँ से। उसके बाद में हमने ये प्रेरणा ली ग्राउंड की, बच्चों के लिए आगे ग्राउंड दे। क्या होता है कि ऐसे ऐसे भागदौड़ करते हैं तो पाँव ऊँचा नीचा रखा जाता है, जान दूर काटने का डर रहता है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। खेल के मैदान में सुरक्षित रहते हैं ना, और एक समय अनुशासन होता है। एक जैसे अभी आप आज देखा है, ये हर एक दो दिन से टाइम लेता है भर्ती के, जैसे जो टाइम है ये पूरा भर्ती के हिसाब से ग्राउंड बनाया हुआ है जो दौड़ने का है ना। अच्छा, तो ये बताएं कि राजनीति में आपकी रुचि कैसे हुई? हम राजनीतिक परिवार से हैं, पहले से मेरे दादाजी नामविरोध 20 साल गांव में सरपंच रहे हैं। अच्छा। ताऊ जी 13 साल प्रधान रहे। गोविंद जी MLA बनने के बाद में भी 12 महीने फिर ताऊ जी प्रधान रहे। हर एक चुनाव हम लड़ते हैं हमारे परिवार से। ताऊ जी आप कौन है? मोहन सिंह जी। मोहन सिंह जी आपके ताऊ जी हैं? नहीं, मोहन सिंह जी। मोहन सिंह जी। मोहन सिंह जी ताऊ जी के लड़के। अच्छा। तो ये बताएं कि अभी वर्तमान में अपनी जो है राज्य की राजनीति कैसे चल रही है? ठीक चल रही है आप कांग्रेस की? अभी अच्छी राजनीति चल रही है, साफ सुथरी राजनीति है। कोई कमियां लगती हैं आपको?
कमियां तो राजनीति में ढूंढे तो वैसे बहुत कमियां हैं, वैसे कमियां कुछ। अच्छा, आपके गांव में मूलभूत सुविधा किस चीज़ की नहीं है? हमारे गांव में मूलभूत सब सुविधा है। अच्छा, स्कूल की है, हॉस्पिटल की है? स्कूल हमारे है, CAC हमारे है, अभी इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी हमारे को मिल गई। अच्छा, मैं उधर जादौद के उस तरफ गया था एक बार, तो वहाँ तो पानी जो बहुत भरता है वो थोड़ा क्या है कि गांव में पानी की निकासी की गांव में वो दिक्कत तो रहती है, सब में रहती है, लेकिन क्या करेंगे आप इसके लिए? इसके वहाँ अभी सीवरेज का प्लान चल रहा है अंदर गांव के बाईपास में। मुझे याद है काफ़ी सालों पहले आपका जो ये जो रोड है सारा रोड, इस जो मेन रोड है यहाँ भी आपके बहुत ज़्यादा काम खराब था, फिर ये सीमेंट की रोड बनी पक्की ना? हाँ, तो सीमेंट रोड बनने के बाद में हम गांव का जो पानी है ड्रेन बना के गांव का 2 किलोमीटर बाहर जाता है, वो पंप वाटर सेट लगा रखा है। अच्छा, आपके यहाँ वैसे कोई क्या कई कई एरिया में विशेष योजना लेके आते हैं कोई, जैसे कि CCTV लगाते हैं कोई, जो वो पानी कूड़ बनाते हैं, ठीक है, कोई शौचालय कोई लेके आता है, तो आप भी कोई स्पेशल स्कीम लेके आए हैं? शौचालय तो हमारे वैसे तो अभी अपने सब जगह हमारी क्या अपने सब जगह बन गए सार्वजनिक शौचालय, अभी हमारे 3-4 पास हमने करवा रखे हैं, पहले वाले थोड़ा केर बढ़िया बनवाएंगे। और मैन गांव की साफ सफाई का है, हमारा गांव में कादा कीचड़ नहीं रहे, इस स्कीम में थोड़ा हरियाली का भी ध्यान रखना। हरियाली अभी आपको 12 महीने बाद में बुलाएंगे, इसी जगह आपको कायाकल्प मिलेगा। अच्छा ठीक है, देखेंगे। अच्छा ये बताएं कि युवाओं में जो है नशा, ये भी एक समस्या है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, नशा बहुत बुरी लत है, लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं है। नहीं है ना? राजनीति में अपराधियों का गठजोड़ जो है, राजनीति में अपराधी जो है बहुत ज़्यादा हो गए। अपराधियों को राजनीति, वो राजनीति हम नहीं करते हैं। नहीं करते ना? नहीं। अच्छा अच्छा, सरपंच को काम कराने के लिए कई बार बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है, तो आपका अभी जो है कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार है, तो कुछ सहूलियत होती है, वरीयता मिलती है? कुछ वरीयता मिलती है कांग्रेस की है, कांग्रेस को तो वरीयता मिलती है। जादौद है गांव, जादौद गांव की पंचायत है कि दूसरे गांव जुड़े हैं? एक छोटा गांव है मलसीवास, डेढ़ वार्ड का, डेढ़ वार्ड 500 वोट है, वैसे डेढ़ वार्ड है, 13 वार्ड है। जादौद की आबादी कितनी है? 8000। और वोट कितने हैं? वोट 5000 पूरी पंचायत में। अच्छा, आप कितने वोटों जीते थे याद है तो? 110 वोटों से। मतलब आपकी धर्मपत्नी है ना? हाँ। तो नाम क्या उनका? सुमन देवी। तो सुमन देवी, अच्छा कई जगह देखा मैंने कि सरपंच जो है वो ऐसे नाम के बनाते हैं औरतों को, तो आपके क्या क्या हाल है? नहीं नहीं, अब हमारे वही आती है, क्रियाशील है। हाँ, क्योंकि उससे क्या है कि सीखने को मिलेगा, आगे हिम्मत भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं का राज है, अभी वही आती है मीटिंग वेटिंग में। अच्छा, बराबर महिलाओं को क्या है कि कई तो आरक्षण की तरफदारी करते हैं, ठीक है, कोई कहते हैं नहीं जो है महिला बराबर है तो फिर आरक्षण की क्या जरूरत है, और कोई कहते हैं जी देखो जमाना नहीं आया, सब बराबरी का काम है, तो आपको क्या लगता है महिलाओं? महिलाओं को अगर गाँव मौका दिया तो महिला को आगे रखनी चाहिए। अच्छा बताएं कि बालिका शिक्षा की क्या स्थिति है आपके गाँव में? हमारे गांव में बालिका शिक्षा की बहुत अच्छी स्थिति है, अभी पहले तो नहीं थी, अभी माइनॉरिटी का गांव है, अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे रखा है, और हमने भी घर घर जाके, और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं राजू राम जी वर्मा, और गांव के अभी सब, ये जागरूक गांव है। ये सालासर की तरफ जाते हैं मेला भरता है तो वो लगाते हैं कुछ? हाँ, भंडारा लगाते हैं। लगाते हैं गाँव में सांप्रदायिक सद्भाव कैसा है? बहुत अच्छा है, हमारे गांव में ऐसा नहीं है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलानी जाति है। गाँव में कोई ऊँची नौकरी लगे हुए आदमी? ऊँची नौकरी कोई प्रशासनिक में, कोई जज में, कोई? जज में है एक महिला है ना? एक महिला है हमारे जज में। प्रशासनिक अधिकारी है कोई? प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS कोई है? नहीं नहीं है। और अध्यापकों में तो हैं बहुत, अध्यापक बहुत हैं, फौजी हैं, फौजी बहुत हैं, अध्यापक बहुत हैं। अभी पानी की स्थिति कैसी है गाँव में? मैनेजर हैं, पानी अच्छा है, पानी अच्छा है ना? फसल के लायक तो नहीं है, खाली एक सरसों और गेहूँ दो ही होते हैं, वैसे आपके गांव में जैसा पानी नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, थोड़ी फ्लोराइड है। फ्लोराइड है तो कोई जैसे कि ये मीठे पानी की योजना, वो डोटासरा जी कह रहे थे हम लेके आए हैं, तो आप ही गांव में भी है? बिल्कुल, हमारे गांव में टंकी बन गई है, अभी घर घर नल लगेगा, सब वो प्रक्रिया चल रही है। तो वो जो नल लगेगा उसका पैसा गवर्नमेंट वहन करेगी कि देना पड़ेगा आदमी? गवर्नमेंट वहन करेगी, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, उसके बाद में कोई अभी प्रोसीजर आया नहीं है क्या आएगा, लेकिन अभी जो घर घर नल लगाया उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये जो वर्तमान विधायक जी हैं, अपने शिक्षा मंत्री बने हैं, कुछ बताएंगे इनके बारे में? इनके बारे में तो अभी बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है आपको। नहीं, ये होता है कर्मठ और जुझारू, दो पक्ष होते हैं, पक्ष विपक्ष। विपक्ष तो ऐसे ही होता है, विपक्ष तो आदमी अच्छा काम करेगा विपक्ष को तो उसकी खूबियां मिलेंगी, और ये आदमी तो ऐसा है
जो बोल दिया ना कि ये काम आपका हो जाएगा, वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अभी पिछले दिनों में ट्रांसफर हुए हैं। अच्छा। खाली लक्ष्मण गट्टे से इतने ट्रांसफर किए हैं, इतिहास में पहली बार हुए हैं। उसमें ये नहीं है कि वो आदमी मेरे को वोट दिया या नहीं दिया है, बिना भेदभाव के ट्रांसफर किए हैं। और अभी भी बोलते हैं अगर कोई बाहर है तो बताओ मेरे को। अच्छा, ये बताएं कि राजनीति में जब आप गांव में चुने जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, लोग क्या कि वोट देते हैं, वो भी न देते हैं, वो भी वो आपके होते हैं, ठीक है जी। तो उसमें कई बार पक्षपात देखने मिलता है कि फलाने मोहल्ले में तो काम करवा दिया, हमारे मोहल्ले में नहीं करवाया। नहीं, ऐसा हमारे नहीं है। हमारे तो जिस दिन वोट हो गया गाँव में पार्टीबाजी खत्म हो जाती है। आज वोट है, आज शाम को 5 बजे रिजल्ट आने के बाद में सब हम सम्मान रहे, कोई भी सरपंच जीते कोई भी हारे, वो सब बराबर है, एक जाजम पे बैठते हैं। जैसे मैं सरपंच बना, हमें 7 आदमी चुनाव लड़े थे, सरपंच बनते मेरे कार्यालय में जाके सबके घर जाके उसी टाइम रात को चाय वाय पी के सबके घर जाके रात को। अच्छा, तो कई बार क्या होता है मन में तो कुछ होते हैं काम, कुछ करते कि भाई मेरा मन था फौज में जाने का, अध्यापक बनने का, व्यवसाय करने का, तो ऐसा कोई था मलाल के भाई बनना तो ये चाहता था लेकिन नहीं बन पाया? नहीं, पहले मेरा फौज में जाने का मन था, लेकिन मैं 2002 में बीमार हो गया, उसकी वजह से फौज में नहीं जा पाया। एक भर्ती में गया था तो वहाँ बीमार होने के बाद में वहीं बीमार हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद में ये दो लड़के हैं, एक लड़के के पीछे टायर लगा रखा है, रस्सी से खींच रहा है, ये क्या प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया ये है कि लड़के बराबर ये बराबर टाइम से नहीं आते हैं, आने में लेट करते हैं, तो ये इस फौजी साहब भाई का वो है अनुशासन, वो सजा देते हैं, उनका शरीर थोड़ा भारी है तो हड़का भी करने के लिए। अच्छा, व्यवसाय की क्या स्थिति आपके गांव में? व्यवसाय कोई व्यवसाय हैं, बड़े व्यवसाय हैं जी? हाँ, व्यवसाय है ना, जैसे हमारे जैसे ताजू खान जी हैं, उनके स्कूल है, पंप है, और काफ़ी बिजनेस हैं, और हमारे ज़्यादा व्यवसाय बहुत हैं, लेकिन वो विदेश में ज़्यादा काम है। अच्छा, आपके गांव में विदेश में मतलब गल्फ कंट्री में ज़्यादा? हाँ, उनका खुद का काम है गल्फ कंट्री में, जैसे पेट्रोल पंप तो 3-4 गांव के आदमी के पेट्रोल पंप भी हैं। अच्छा, हाँ, तो गल्फ कंट्री में जाते हैं लोग क्या है, अर्ध शिक्षित जाते हैं, मतलब अर्ध प्रशिक्षित, कि काम का कोई पता नहीं होता, तो वहाँ जाके परेशानी होती है उन्हें? कोई परेशानी नहीं होती यहाँ तो। अभी थोड़ा ये हम ग्राउंड बनाने के बाद में 1-2 साल में ये फौजगार ऐसा चला है, पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी नौकरी के प्रति ज़्यादा है, लेकिन गलत केंद्रीय राजनीति की तरफ जाएं तो अभी जो मोदी सरकार है, लोग बता रहे हैं भाई लोह पुरुष हैं, दूसरे लोह पुरुष हैं पटेल के बाद में, कोई कह रहे हैं 56 इंच वाला है, कोई कहते हैं उसे ज़्यादा इंच का है, कोई कहते हैं जी इन्होंने तो राष्ट्रवाद का वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र कर दिया, और कोई कहते हैं जी इनकी विदेश नीति बहुत ही जो है मारक है, और कोई कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी, तो आपकी क्या राय है? महंगाई तो बढ़ा दी आपकी राय, इसमें तो दोरा नहीं है। कोई दोरा ही नहीं है, कितनी महंगाई, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, सिलेंडर 1000 रुपये में जा रहा है। अच्छा, ये लोग कहते थे कि 35 में पेट्रोल हो जाना चाहिए, उसको वोट दें, कि आप 70 वाले को वोट देना चाहेंगे, हम कर आएंगे तो ये कर देंगे, और इनके खतनी और करनी में अंतर है। इनके 2013 के बयान सुनो और आज के सुनो। सही है, वो तो देखा मैंने, जैसे रामदेव बाबा का वीडियो देखा मैंने, उसमें वो कह रहे थे भाई जींस पैंट जो विदेशी संस्कृति है ये वो, और बाद में खुद ही जींस की वो बेच रहे हैं। तो मतलब एक भारतीय आदमी जींस बना लेता है तो स्वदेशी संस्कृति हो गई, और अगर विदेश से आती है तो विदेश संस्कृति। बता दिया ना आपको, इनके खतनी और करनी में अंतर, और ये जो बीजेपी सरकार है 3-4 बंदों के हाथ में है जो ये चलाते हैं, वैसे ये चलते हैं। ये कांग्रेस पर आरोप लगता है कि मन स्वाद परिवार वासिक, तो अभी तो लगभग सारा काम बीजेपी में वैसा ही हो गया, सब पार्ट एक ही सब एक ही है। अच्छा, बीजेपी में जैसे क्या हुआ कि बहुमत दूसरी बार मिला तो बहुत अच्छा बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन इसकी वजह से तानाशाही नहीं आगे लगता आपको फैसले लेने? बिल्कुल तानाशाही, अभी किसान 3 महीने से रोड पे पड़े हैं, तानाशाही नहीं तो क्या है? बात करनी चाहिए ना, बात करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए देश के अंदाता इनसे बात नहीं करें, देश अपना इनसे चलता है, अर्थव्यवस्था पूरी किसानों से चलती है। कानून सही है गलत है तो बात की बात है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री खुद आगे तो खुद बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री बढ़िया प्रधानमंत्री, पहले मनमोहन को बोलता था कि मनमोहन सिंह को बोलता नहीं है, ये तो ज़्यादा बोलते हैं, तो उन किसानों के पास आके बोले ना, बात तो करे ना, तब पता चले कौन सही है क्या गलत है। तो फिर वो मन की बात करते हैं, वो अपनी करते हैं, अपने बीजेपी की मन की बात करते हैं। अच्छा, बीजेपी आने के इस बार आने के बाद में आपको लगता है कि थोड़ा ये धार्मिक संकट भी ज़्यादा हो गया? बीजेपी बहुत ही धार्मिक संकट के मिलते हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, मैंने एक जगह पढ़ा है कि जो बाबरी मस्जिद थी, बीजेपी वाले चाहते नहीं थे कि ये ढह जाए, क्योंकि उसमें क्या हुआ, अगर ये ढह जाए तो फिर वो राम नाम का मुद्दा जो है वो मंदिर का वो खत्म हो जाता, ठीक है, और उसको जिंदा रखते तो लटकाए रखते, हाँ, वो फिर वोट मिल जाते। अभी क्या है कि ये बताएं कि जैसे कोई
क्या खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, किसको मारना चाहिए, ये तो निजी स्वतंत्रता था ना, ये तो निजी है अपनी। तो उसमें अगर दूसरे धर्म वाले थोपते हैं अपनी, वो गलत है। इसमें तो अपना मौलिक अधिकार का आनंद है, कौन थोपने वाला। घूमने कहाँ कहाँ गए आप? ज़्यादा नहीं घूमने गए, मतलब एक बार दुबई जाके आए, और यहाँ से देश में तो बम्बई दिल्ली। दुबई में क्या देगा? दुबई तो ये विदेश में भी बम्बई की तरह, वो चौका पजामा नहीं, वो दूसरी है उनकी, तो कोबरी बोलते हैं उसको। अच्छा, वो हमारे तो यहाँ बहुत है गांव में, कई पहनते हैं, कोई कंदूरा खाते हैं कई। हाँ, तो स्कूल 12वीं तक बताइए। हाँ, 12वीं तक, और अभी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम भी हमारे को मिली है। तो आपको लगता नहीं कि इधर कॉलेज होने चाहिए जाजोद में? कॉलेज तो होने चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्मणगढ़ में ही अभी कॉलेज हुई है, तो जाजोद में इतनी जल्दी आश करना तो मुश्किल है। तो लक्ष्मणगढ़ में अभी भवन तैयार नहीं हुआ है सरकारी कॉलेज का। प्राइवेट नहीं बन सकती है? प्राइवेट से क्या फ़ायदा, चीज़ तो सरकारी हो, तभी प्राइवेट तो सुविधा तो हो ही जाए। प्राइवेट बनेगी हमारे, एक दो साल में ताज ग्लोबल है। अच्छा अच्छा, इसमें बनेगी। तो क्या होता है कि युवा जो होते हैं ना राजनीतिक में आते हैं, तो उनको नवाचार करते हैं, नई चीज़ें लेके आते हैं, या फिर क्या होता है कि कई दूसरे गांव उनको उसको मॉडल अपनाते हैं कि भाई इस गांव में ये चीज़ है तो हम भी इस गांव को लेके आएँ। तो आपने देखा कि कई कोई गांव आपको पसंद आया कि इस गांव में ये चीज़ अच्छी, हम भी अपने गाँव में लेके आएँ, ऐसा कोई देखा आपने? हमने तो ऐसा नहीं देखा, लेकिन हमारे जो ये ग्राउंड बनाया ना हमने लक्ष्मणगढ़ के, नहीं फतेहपुर और सुजानगढ़ के, कम से कम 40-45 सरपंच यहाँ आके इस ग्राउंड को हमारे को देख के गए। तो कितने पैसे होम दिया आपने यहाँ? यहाँ कम से कम 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए, आगे कितना लगेगा अभी पता नहीं है। पता नहीं है, और पैसे की कमी नहीं है, गांव का बहुत सही हो गया, इसमें सरकारी पैसा ज़्यादा नहीं है गाँव का। नरेगा में है मात्र 12 लाख रुपये का पास किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, नरेगा चलती है आपके अभी? नरेगा सब जगह चलती है ना, नहीं ये ग्राउंड जो ग्राउंड गांव में आए ना, ये सब नरेगा की स्कीम में आए, वो यही वो है। अच्छा एक बात है, आप अंतिम है जो, एक स्वस्थ जीवन कैसा होना चाहिए? स्वस्थ जीवन आदमी आराम से सादा खाना खाए, और तनाव ना पड़े, काम करे अपना। तो ये जो आपके सहपाठी हैं और आपके जो संगी साथी हैं, आपके जो चेले सपाटे सारे जो हैं, ठीक है, क्रांति में है, पारिवारिक, उनके नाम का संदेश? उनके नाम का संदेश यही है कि बस आराम से अपना काम करो, और कोई नशा पता मत करो, लड़ाई दंगा मत करो, राजनीति के मोरे मत बनो, है ना जी। ठीक है, आप व्यस्त आदमी हैं, लोग कह रहे थे सुबह सुबह फोन नहीं उठाते, फिर भी आपने मेरा फोन उठा लिया, आगे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों धन्यवाद, जय राम जी, राम राम सर।